एक तरफ प्रेगनेंसी की खुशी, हर तरफ खुशी का माहौल, मिठाइयाँ बढ़ रही हैं, एन्जॉयमेंट चल रहा है। सडनली अचानक से अपन देखते हैं कि स्पॉटिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई, क्लॉट्स आ गए, तो फिर टेंशन हो जाती है। अभी तो प्रेगनेंसी थी, अचानक से ये क्या हो गया? कहीं बच्चा ख़राब तो नहीं हो रहा, या क्या होने वाला है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जसावत, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। हम लेके आए हैं यही इन्हीं टेंशन को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। देखें, जो ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी में, उसको अपन 3 तिमाह में डिवाइड करके बात कर लेते हैं। जो शुरू का पहला तिमाह होता है, उसमें जो ब्लीडिंग होती है उसके कारण अलग होते हैं, और दूसरे और तीसरे तिमाही में जो ब्लीडिंग होती है उसके कारण अलग होते हैं। अब ब्लीडिंग भी कई तरह प्रकार की होती है। क्या वो सिर्फ एक धब्बा या दो धब्बा आके रह गया है, या ब्लीडिंग कंटिन्यूस होए जा रही है, साथ में दर्द भी हो रहा है, तीसरा साथ में बड़े बड़े क्लॉट्स निकल रहे हैं, या टिश्यूज़ कुछ कुछ ऐसा हमें लग रहा है कि साथ में कुछ कुछ मांस का टुकड़ा भी निकल रहा है। अब इन जो ब्लीडिंग है, इन 3 तरह की जो ब्लीडिंग है, इनमें अंतर होता है। देखिए, अगर सिर्फ मैच स्पॉटिंग हो रही है पहले तिमाह में, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेट में दर्द नहीं है, कोई और तकलीफ़ नहीं हो रही है, सिर्फ हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है, तो ये 20% महिलाओं में नॉर्मल होती है। इसको हम टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है इस चीज़ में, क्योंकि क्या होता है, ये थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो जाती है। इसके अलावा दूसरा, एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग करके हम इसको बोलते हैं। होता क्या है, जब बच्चा जो बच्चे गर्भाशय होता है उसकी दीवार से जब चिपक रहा होता है और उसको अंदर कुरेद के जा रहा होता है, तो थोड़ा सा रक्त स्राव होना नॉर्मल है। तो इस समय ये परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये शुरू के 3 महीने में आपको, जैसे पीरियड्स आपके होते हैं उस समय, ये थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग हो सकता है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। पर इसके साथ में अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है और पेट के जो निचला हिस्सा है उसमें दर्द हो रहा है, या साथ में क्लॉट्स, या आपको ऐसा लग रहा है कि मांस के कुछ टुकड़े निकल रहे हैं, तो आपको तुरंत अस्पताल जाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मिसकैरेज या अबॉर्शन भी हो सकता है। देखिए, जो स्पॉटिंग होती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, दर्द नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया, एक नॉर्मल चीज़ है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको स्पॉटिंग हो रही है और आप घर बैठ के सोच रहे हैं कि अरे ये नॉर्मल है, मुझे अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ब्लीडिंग का कारण और ब्लीडिंग, इस ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी ऑब्स्टेट्रिशियन की होती है। ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट, आप कुछ भी कह सकते हैं, उनकी होती है। तो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ये उनका काम है, ठीक है। आपको अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, ज़्यादा जितनी भी हुई, आपको तो जाके रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो पहले स्पॉटिंग हुई, उसमें आप टेंशन नहीं लें, डॉक्टर पे जाएं, वो आपको एग्ज़ामिन करेंगे। एग्ज़ामिन करने के बाद एक सोनोग्राफी करा सकते हैं। एग्जामिनेशन में वो क्या करते हैं, यह देखते हैं कि जो बच्चेदानी का मुंह, वो खुला है कि नहीं खुला है। वो बंद है, बच्चा की धड़कन ठीक आ रही है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आप घर जाइए, आराम से रहिए, टेंशन नहीं कीजिए। ज़रूरत हुई तो वो आपको कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा केस कि आपको ब्लीडिंग हैवी हुए जा रही है और पेट में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर पे गए, डॉक्टर ने आपका एग्जामिनेशन किया और देखा कि बच्चेदानी का मुंह बंद है, पर कहीं सोनोग्राफी में कुछ कुछ ब्लीडिंग, जो बोलते हैं, जो सब कोरोनिक ब्लीड बोलते हैं या हिमाटोमा बोलते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो उसमें भी आप नहीं घबराएं, तब तक नहीं घबराएं जब तक बच्चेदानी का मुंह बंद है और बच्चे की धड़कन ठीक है। क्योंकि इस समय भी हमारे पास वो मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जिससे हम आपको दे के बच्चे को बचा सकते हैं और आपके दर्द को भी ठीक कर सकते हैं। इसको हम थ्रेटन अबॉर्शन की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। इसमें बच्चेदानी का मुंह बंद रहता है पर, और बच्चेदानी की धड़कन ठीक रहती है, पर क्या होता है, कभी कभी हिमाटोमा या ब्लीडिंग, जो कोरोनिक ब्लीड है, वो भी आ जाता है। वो भी ज़्यादा नहीं, 10-15% केसेस में वो दिखता है, पर विथ मेडिकेशंस के साथ में वो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, तो उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ में क्या होता है कि आपको क्लॉट और कुछ मांस के टुकड़े जो अगर आपको निकलते हुए मिल जाते हैं, और आप जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो वो आपको जब एग्ज़ामिन करते हैं तो बोलते हैं, अरे बच्चेदानी का मुंह तो खुला हुआ है, अब अबॉर्शन हो ही जाएगा। इसको बोलते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन। ना इसको डॉक्टर रोक सकते हैं, ना इसको आप रोक सकते हैं। होता क्या है, अगर आपके अंडे में या फिर वीर्य में या शुक्राणु जो है उसमें अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, यानी स्पर्म और एग में अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है और उससे कोई बच्चा बना है, तो प्रकृति का अपना एक नियम होता है कि जो ख़राब चीज़ होती है वो उसको रिजेक्ट कर देती है, तो ये अपने आप ही नेचुरली अबॉर्ट कर जाता है। इसमें आप घबराएं नहीं। देखो, डिफेक्टिव बच्चा पैदा करने से अच्छा है कि वो टाइमली अबॉर्ट हो जाए, तो आप एक हेल्दी बच्चा पैदा करें, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे केसेस में इसको हम इनएविटेबल अबॉर्शन बोलते हैं। जो ये चीज़ है, ये
80-90% केसेस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने आप ही नेचुरल अबॉर्शन हो जाता है। जेनेटिक डिफेक्ट ही इसका मेजर कारण होता है, तो आपको इसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, डिफेक्ट था, नेचर ने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप अब चीज़ों के लिए रेडी रहें, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीन चीज़ें बताई। एक और केस होता है जो थोड़ा सा डेंजरस होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की अंदर की दीवारों में ना लग के वो ट्यूब में लग जाए या अंडे में लग जाए या कहीं और लग जाए। अमूमन तौर पे जो ज़्यादा कॉमन होता है एक्टॉपिक में, वो ट्यूब में जो प्रेगनेंसी वो लग जाती है, वहीं बच्चा बन जाता है, वहीं डेवलप होने लग जाता है। और ऐसे केस में अगर हम ध्यान नहीं देते तो वो ट्यूब फट भी सकती है, जिससे मरीज़ की जान को खतरा हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में ब्लीडिंग या फिर जो हल्का हल्का पेन होता है वो एक सिम्टम होता है, जिसको हम मानते हैं कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो जब आपको ब्लीडिंग होती है तो पहली चीज़ आपको डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, अगर सब ठीक है, सोनोग्राफी में भी थोड़ा सब ठीक आ रहा है, तो वो एक बार बीटा HCG रिपीट कर आपका करवाते हैं। बीटा HCG 48 आवर्स के बाद वो रिपीट कर सकते हैं, और हो सकता है इसके बाद भी अगर उन्होंने कराना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन, तो रिपीट कर सकते हैं। अगर बीटा HCG के लेवल्स नियर टू डबल हो रहे हैं तो इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट है, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो गिर रहे हैं इसका मतलब है कि बच्चा अब आगे डेवलप नहीं करेगा, ठीक है। तो बीटा HCG अगर डॉक्टर आपको करवाने के लिए कह रहे हैं तो आप करवा लीजिए, उसको मना नहीं कीजिए, क्योंकि वो आपके बच्चा कैसा डेवलप हो रहा है उसी का ही एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। अब ब्लीडिंग स्पॉटिंग जो नॉर्मल होती है, अगर वो सब बच्चे को बचाया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, तो आपको मेडिसिन दिए जाएंगे, जैसे प्रोजेस्ट्रॉन की टैबलेट्स दे सकते हैं, आपको इंजेक्शन दे सकते हैं, तो वो भी आप लगवा लीजिए, वो भी आपके लिए बेहतर ही होता है। इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो अच्छी चीज़ है वो रहेगी, और जिसमें थोड़ा सा भी डिफेक्ट है नेचर उसको अपने आप डिस्कार्ड कर देती है। बस एक्टॉपिक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए जो मरीज़ के लिए ख़तरा है, क्योंकि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में फिर सर्जिकल मेजर्स लिए जाते हैं, और सर्जरी के द्वारा उस पोर्शन को, उस भ्रूण को उस वहाँ से उसकी जगह से निकाल दिया जाता है, ताकि मरीज़ की जान बच सके। कई कई केसेस में इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि उन्हें ब्लड चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये तो थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कारण। अब उसके बाद अपन सेकंड ट्राइमेस्टर में देखते हैं। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर कॉमन ही होता है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में जो हम लेते हैं अप टू 28 वीक्स हम सेकंड ट्राइमेस्टर को कंसिडर करते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर 28 वीक्स के बाद में लेके अप टू द डेट ऑफ डिलीवरी तक हम थर्ड ट्राइमेस्टर में काम करते हैं। तो इनमें ज़्यादातर कॉमन फीचर्स जो देखने को मिलते हैं, जैसे अगर जो प्लेसेंटा है, जो आंवल नाल है, वो नीचे ही है, बच्चेदाने के मुँह पर है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चेदानी जो आंवल नाल है वो बच्चेदानी से चिपकी हुई है, पर किसी कारण की वजह से वो अपनी जगह से छूट जाती है और वहाँ खून इकट्ठा होने लग जाता है। अगर वो जगह दे देता है, यानी ऊपर की तरफ से भी अगर खुला है और नीचे की तरफ से भी खुला है, तो ब्लीडिंग हमें दिख जाती है। पर अगर क्या होता है, इधर से बंद है, इधर से बंद है, तो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है। इसको बोलते हैं एप्रोप्शियो प्लेसेंटिक, जो कि काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। इसमें हमें तुरंत इंटरवीन करना पड़ता है, नहीं तो माँ और बच्चे की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। जो एप्रोप्शियो प्लेसेंटे होती है, ये बहुत ही डेंजरस खतरनाक स्थिति होती है। इसमें कभी कभी मरीज़ और बच्चे दोनों की जान पे बनाती है, और हमें काफ़ी केसेस में तो सफ़ेद खून और लाल खून दोनों चढ़ाने पड़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो तो आप तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं। सेम सिचुएशन थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, प्लेसेंटा प्रीविया, यानी जब प्लेसेंटा नीचे होता है तो उससे भी ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको एप्रोप्शियो प्लेसेंटे बताया, इसमें भी होती है। कुछ केसेस में होता है कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स पे कुछ प्री कैंसरस या सिचुएशंस, कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं कि उनके द्वारा भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो आपको नीचे से एग्जामिन कराने की आवश्यकता होती ही है कि आखिर ब्लीडिंग क्यों हुई है। ये तो कुछ कॉमन कारण है जो मैंने आपको ब्लीडिंग के बारे में डिस्कस किए हैं। इसकी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें, हमसे सवाल पूछें, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।